सोहन जी म्यूजिक टीम दिस साइड। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल डिवाइन ने अपने शो में सिद्धू का एक अनरिलीज्ड गाना प्ले किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था रात को ही, ताकि तुम्हें सबसे पहले सुनने को मिल जाए। और डिवाइन ने खुद ही सुनाया, तो फिर लीक वाला कुछ सिस्टम भी नहीं था। तो इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ क्लियर करूंगा कि इस ट्रैक का टाइटल चोर नहीं होगा या शेर नहीं, क्योंकि जब डिवाइन ने अपनी गुनहगार एल्बम की ट्रैक लिस्ट ड्रॉप करी थी, तब लास्ट में उन्होंने इस ट्रैक को काट दिया था। और जो भी विजिबल वर्ड्स थे उनसे यही दो शब्द बनते हैं, चोरनी और शेरनी। सो तब से ही कन्फ्यूज़न है सब में कि इस गाने का टाइटल शेरनी है या चोरनी। बाकी रिलीजिंग डेट से रिलेटेड भी कुछ इन्फो है, और ये भी बताऊंगा कि डिवाइन ने परमिशन ले ली है या नहीं पेरेंट से। तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊं तो डिवाइन ने जब एल्बम लॉन्च इवेंट किया था अपनी गुनहगार एल्बम का, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने वाजिर पात्र भाई की मदद से सिद्धू भाई के फादर साहब से परमिशन ले लिया है गाने को ड्रॉप करने की या फिर रिलीज करने की। बाकी तुम उस वीडियो को देख लो पहले, फिर आगे बताता हूँ। Spoke to his father and he gave me permission to release the track very soon. I have chills when I speak about him. Rest in peace, Musiala. Thank you, Wazir. I love you, my brother. तो डिवाइन के खुद के मुंह से भी तुमने सुनी लिया है, वीडियो देख ही लिया है। और अब एक भाई के कमेंट के रिप्लाई में साफ साफ डिवाइन भाई ने बता दिया कि उन्होंने इस गाने को रिलीज करने की परमिशन फैमिली से ले लिया है। बाकी उस कमेंट को तुम स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। और अब बात करते हैं कि ये शेरनी है या चोरनी। सो वैसे तो ऑलरेडी मैंने 3 वीक्स पहले अपनी इस वीडियो में भी बता दिया था, और अब अगेन बता देता हूँ। डिवाइन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे Q&A किया था 3 वीक्स पहले, जिसमें किसी ने उनसे चोरनी गाने के बारे में पूछा था कि व्हेन यू ड्रॉप इन चोरनी। सो उसका जवाब दिया था डिवाइन ने कि यू ऑल एंड रेडी एट कमिंग सून। तो डिवाइन के इस क्वेश्चन को पिक करने की वजह से ये बात क्लियर हो जाती है कि इसका टाइटल चोर नहीं है। और तुम्हें अगर ये स्टोरी फेक लग रही है, तो 3 वीक्स पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था मैंने ये स्क्रीनशॉट। तुम्हें शायद इसलिए नहीं दिखा होगा क्योंकि डिवाइन ने कुछ मिनट्स बाद ही स्टोरी डिलीट कर दी थी। बाकी मेरे पे भी यकीन नहीं है तो पंजाब अब्बाई की वीडियो चेक कर लेना। और रिलीजिंग डेट के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ अभी कुछ भी कन्फर्म, बट कई फैन पेजेस एंड कई बंदे बोल रहे हैं कि 11 फरवरी या फिर फरवरी में ये ट्रैक रिलीज हो सकता है। बाकी मैं तुम्हें डेफिनेटली क्लियर करके बता दूंगा आगे किसी वीडियो में। और हाँ, कई बंदों को डाउट आ रहा था कि माई नेम पहले आएगा या फिर ये चोरनी, तो तुम्हें बता दूं कि माई नेम सिद्धू भाई का ट्रैक है, इसको रिलीज करना पूरी तरह फैमिली एंड मैनेजमेंट के हाथ में है, जबकि चोरनी गाना डिवाइन का है तो वो डिवाइन के हाथ में है। लेकिन हाँ, पहले कोई सा भी ट्रैक्स आए, दोनों ट्रैक्स के बीच में खूब स्पेस रखा जाएगा। बाकी तुम अगर इतना लास्ट तक देख रहे हो तो सिद्धू इज बैक जरूर कॉमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।